सबसे पहली चीज तो इट इज फीमेल ओरिएंटेड. आई मीन बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जो एक फीमेल के इर्द गिर्द होते हैं, और इसमें सिर्फ तीन कैरेक्टर्स हैं आउट ऑफ विच टू ऑफ कोर्स मेल्स एंड आई एम द ओनली फीमेल एंड इट्स एम्फसाइज्ड वेरी वेल. सो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. देन इट वॉज अ कैरेक्टर दैट वॉज suiting what I wanted at that moment. It was highlighting me in every possible way. So what could I ask for more? Begum ne dhoka de diya. Sona hai mere bedroom mein meri biwi ke saath. Nikhil, mujhe 2012 mein I was diagnosed with breast cancer. तो उसमें मेरा डेढ़ साल लूज हो गया. मेरा ट्रीटमेंट, मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद 6 कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद 31 रेडिएशंस हुए, उसके बाद एक और सर्जरी हुई. तो इसको जो डिटीरियोरेशन हुआ हेल्थ को, एंड फॉर एन एक्टर इट्स द फेस लुक, द फेस वैल्यू लुक होता है. आप अपने आप को दिन बर दिन बिखरते हुए देखते हो, आपके बाल जा रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है. जो इतना एथलेटिक हो और अपने आप को मेंटेन करके चलता हो, हर चीज का ख्याल रख के चलता हो, और फिर आप अपने आप को एकदम बिखरते हुए देखते हो, तो ऐसा लगता है कि अब इसको समेटने में फिर से कितना टाइम लगेगा. तो उसमें डेढ़ साल चला गया. उसके बाद डेढ़ साल के बाद 6 महीने और गए, क्योंकि रिकूपरेट करना था, हेल्थ वापस ठीक करनी थी, बाल का वेट करना था आने के लिए, और पूरी वीकनेस हटानी थी शरीर से, सो आप डे एंड नाइट काम कर सकते हो. एंड फिर उसके बाद तीसरी चैलेंज ये थी कि क्योंकि मैंने इतना समय लूज कर लिया था, मुझे फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ा. जब मैं 5 साल या 6 साल पहले आई थी, जो मैंने स्क्रैच से शुरू किया था, वो दोबारा मुझे पूरा स्क्रैच से शुरू करना पड़ा. फिर भी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को ये फिल्म मिली, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि तीन कैरेक्टर्स की फिल्म, गर्ल बींग हाईलाइटेड, वुमेन ओरिएंटेड, वॉट कुड आई आस्क फॉर मोर. एंड अ गुड प्रोडक्शन, गुड डायरेक्टर, गुड को स्टार राहुल सर इज बिन अमेजिंग सपोर्ट. एंड देन यू नेवर नो हाउ वट एवेन्यूज ओपन अप फॉर यू आफ्टर दिस. यू मर्डर, यू ब्रूट.